वालेकुम पाकिस्तान अब ऑफिशियली कोरोना वायरस की थर्ड वेव से गुजर रहा है क्या हमें थर्ड वेव में कम्प्लीटली लॉकडाउन देखने को मिल सकता है क्या लॉकडाउन एक सक्सेसफुल सलूशन है पाकिस्तान में और कंट्री की इस टाइम डिमांड है लॉकडाउन या नहीं और फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव और देन थर्ड वेव ये कितनी वेव्स आएंगी और थर्ड वेव कैसे आई इन सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ केसेस लैक्स सेवेंटी एट थाउजेंड हैं जबकि डेथ फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टीन है फर्स्ट वेव ट्वेंटियवेंटी ट्वेंटी से स्टार्ट हुई और ये वेव आठ महीने तक मुसलसल रही उसके बाद सेकेंड वेव स्टार्ट होती है नवंबर 2020 से जो के पांच महीने तक रही उसके बाद थर्ड वेव स्टार्ट होती है टेंथ ऑफ मार्च 2021 से जो कि एक महीने इसको होने वाला है इन चीजों को एनालाइज करेंगे एक ग्राफ के साथ फर्स्ट वेव एट मंथ यहां तक इसका स्टेटस है देन सेकेंड वेव फाइव मंथ यहां तक इसका स्टेटस है और थर्ड वेव जिसको एक महीना होने वाला है इन तीनों वेव में सबसे कम केसेस जिस वेव में रिपोर्ट हुए वो है सेकेंड वेव लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड फर्स्ट वेव और थर्ड वेव इनको देखा जाए तो चार महीने में जो केसेस हमें देखने को मिले और थर्ड में ही जो थर्ड वेव है उसके अंदर हमें एक महीने में ही इतने केसेस देखने को मिले सवाल यह पैदा होता है कि जो पांच महीने फर्स्ट वेव के चार महीने बाद केसेस इतने ज़्यादा डिक्लाइन हुए, ऐसी क्या रीजन थी कि के केसेस कम हुए और जो उसके बाद नहीं अपनाएगी और केसेस वापस इंक्रीज हुए थर्ड वेव में इसी तरह डेथ रेट को भी देखा जाए तो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव और थर्ड वेव सेकेंड वेव में हमें डेथ रेट काफी कम देखने को मिलेगा और हंड्रेड का फिगर सेकेंड वेव में जब क्रॉस हुआ तो वो तकरीबन पांच महीने लगे हंड्रेड पर डे डेथ रेट पहुंचने में लेकिन फर्स्ट वेव में हंड्रेड का फिगर पहुंचने में चार महीने लगे और थर्ड वेव में इतने ही केसेस एक महीना भी नहीं हुआ पहुंचे ऐसी क्या रीजंस थी कि चार महीने में 100 केसेस पहुंचे लेकिन थर्ड वेव में 20 दिन के अंदर 100 केसेस पहुंचे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि थर्ड वेव जो है ज्यादा डेडली है एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव सेकेंड वेव का जिक्र मैं इसलिए नहीं करा इसमें केसेस भी कम रिपोर्ट हुए और डेथ रेट भी कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव वही बिलियन डॉलर का क्वेश्चन सेम एग्जिस्ट होता है वाई वर द कोविड केसेज डिक्रीजिज फॉर फाइव मंथ इन फर्स्ट वेव जो फर्स्ट वेव हमारे पास यहां तक रही थी इसके अंदर ये जो ग्राफ नीचे आया इसकी क्या रीजन थी कि हमारे पास केसेस डे बाय ड्रीज हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्यूरीज दी हैं लेकिन एक थ्यूरी भी इनमें प्रूवन नहीं है लेकिन मैं जिस बात को मानता हूं वो है म्यूटेशन के पाकिस्तान के अंदर जो थर्ड वेव आई है इसके अंदर कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन हुई है म्यूटेशन का कंप्लीट प्रोसेस मैंने अपने इस वीडियो में बताया है जो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में शो हो रही है म्यूटेशन वायरस के अंदर एक रिप्रोडक्शन होती है इससे वायरस ज्यादा तेजी से इन्फेक्ट करता है और ज्यादा डेडली भी होता है वो समाइम्स अब हम अपने उस सवाल पे आते हैं कि क्या लॉकडाउन एक सलूशन है पाकिस्तान में या नहीं इसका अगर सिंपल आंसर दिया जाए तो नहीं पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन एक फेल्ड पॉलिसी के अंदर कंसीडर होगा उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट वेव जो कि आठ महीने चली ये वो टाइम पीरियड है यहां तक जहां पे कंप्लीटली लॉकडाउन था पाकिस्तान लेकिन केसेस डे बाय डे इंक्रीज हुए और जैसे ही लॉकडाउन हटाया केसेस डिक्रीज हुए फिर उसके बाद सेकेंड वेव को देखा जाए तो जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था उसमें केसेस इंक्रीज हुए और जैसे ही लॉकडाउन हटाया तो केसेस वापस डिक्रीज हुए फिर थर्ड वेव में भी जब पार्शली लॉकडाउन किया तो केसेस देख सकते हैं आप कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं तो इस बात से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जब लॉकडाउन नहीं हुआ तो केसेस कम आए कम देखने को मिले जब भी पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ तो हमें मोर केसेस देखने को मिले उसके अलावा लॉकडाउन का इफ़ेक्ट पाकिस्तान में ये हुआ नेगेटिव इफेक्ट ये था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली पावर्टी रेट इंक्रीज हुआ एजुकेशन का जो सेक्टर था बुरी तरह तबाह हुआ इकोनमी में देखा जाए फर्स्ट वेव के अंदर जीडीपी नीचे आई इंसानों की मेंटल हेल्थ ह्यूमन बीइंग की मेंटल हेल्थ बुरी तरह तबाह हुई और क्राइम रेट डे बाय डे इंक्रीज हुआ क्योंकि जब पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट भी इंक्रीज होता है इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो स्वीडन उन ममालिक में आएगा जहां पर कोई भी लॉकडाउन नहीं है मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है लेकिन वहां पर केसेस हमें कम देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज अब वो देखा जाए जो कंप्लीटली लॉकडाउन है स्पेन और इटली ये कंप्लीटली लॉकडाउन है लेकिन यहां पर ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं तो इससे ये भी साबित होता है कि जिन ममालिक में लॉकडाउन है वर्ल्ड वाइड वहां पर भी हमें ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और जिनमें लॉकडाउन नहीं है वहां पर हमें कम केसेस देखने को मिल रहे हैं अब बात करते हैं कि सोलूशन क्या है सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी है वेल्थ थॉट आउट पॉलिसीज बनानी है जो कि कॉन्सिस्टेंट हो ऐसी पॉलिसीज ना हो के ऑनलाइन क्लासेस हों और ऑफलाइन एग्जाम्स हों उसके बाद स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन को डे बाय डे इंक्रीज किया जाए और इसके बाद इम्पोर्टेंट अपने हाथ डेली हर इंसान को धोने चाहिए फेस मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस 1.5 मीटर का डिस्टेंस आपने रखना है जहां पर भी रश हो हजूम हो वहां जाने से अवॉइड करना है होप सो ये इंफॉर्मेशन आपको न्यू लगी होगी अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़